आज से साल 2024 शुरू। एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बदले। नए साल में आज से क्या क्या बदल गया है? आज से नया साल शुरू हो चुका है। आज से कई सरकारी नियमों में बदलाव आ चुके हैं। कई ऐसे काम थे जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी। ऐसे में अगर आप उन कामों को कराने में चूक गए हैं तो आप बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि नए रूल्स के मुताबिक शायद ही वो काम अब हो पाए। तो क्या आप जानते हैं कि नए साल में किन किन नियमों में बदलाव हो चुके हैं? हाँ, एक चीज़ है जो आपको बेहद ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है एलपीजी सिलेंडर के रेट। तो जान लीजिए, इसकी रेट में भी बदलाव हो चुका है। तो चलिए जानते हैं आज से क्या क्या बदल गया है। शुरुआत करते हैं ITR से। साल 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। अगर आप इससे चूक गए हैं तो आप पर आयकर अधिनियम की धारा 234 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इस नियम के तहत जेल होने तक का भी प्रावधान है। RBI ने बैंक लॉकर्स के एग्रीमेंट को रिवाइज कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक रखी थी। अगर आप इस डेडलाइन से चूक गए हैं तो आज से आपका भी लॉकर फ्रीज कर दिया गया है। इसके तहत एक संशोधित एग्रीमेंट साइन कर बैंक के ब्रांच में जमा करना था। अब आते हैं सिम कार्ड पर। सिम कार्ड के नियमों में भी आज से बदलाव हो गया है। इसके लिए 31 दिसंबर तक पेपरलेस KYC प्रक्रिया पूरी करनी थी। इसके साथ ही बायोमेट्रिक के जरिए अपना डिटेल्स भी देना था। अगर आपने अपना KYC नहीं कराया है तो आपका सिम कार्ड निरस्त हो सकता है। अब आते हैं UPI पर। आज से वो सारे UPI ID बंद हो जाएंगे जिनसे पिछले एक साल से ज़्यादा वक्त से कोई भी लेन देन नहीं किया गया है। इसके आदेश नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट ऐप्स मसलन Google Pay, Paytm, PhonePe वगैरह को दिए थे। साथ ही इसके लिए डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही रखी गई थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण LPG सिलेंडर पर। आज से LPG सिलेंडर के दाम 450 रुपये हो गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उपभोक्ता को राजस्थान का निवासी होना चाहिए, साथ ही उसे उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होना भी जरूरी है। BJP ने राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान इसका ऐलान किया था, जिसको अब वो लागू कर चुकी है। ये दाम आज से यानी 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। साथ ही जहां तक पूरे देश की बात है, इस साल के शुरुआती महीनों में तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों पर कुछ फैसले ले सकती है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जो आज से बदल गए हैं। मसलन वाहनों के रेट बढ़ जाएंगे। वहीं बच्चियों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही सुकन्या योजना के दर में 0.2% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। वहीं इस नए साल के मार्च के महीने में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि डीमेट अकाउंट वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि डीमेट अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ने की भी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 ही रखी गई थी, लेकिन अब उसमें इजाफा कर दिया गया है। उसकी डेडलाइन अब 30 जून 2024 कर दी गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।